गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप ऐसे ही मेरी वीडियो को रिस्पांस देते रहिएगा। मैं आपके लिए और भी कोशिश तो यही करूंगा कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आऊँ, ये मैंने आपसे पहले भी बोला था। और आज की भी कुछ वीडियो यूनिक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद भी आए। थंबनेल वगैरह देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड है। आज की वीडियो 5 मोस्ट डेंजरस डॉग्स के ऊपर रिलेटेड है। मैं बताऊंगा इनके बारे में कि ये कितनी इनकी मतलब बाइट पावर होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वेट होता है, और इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सब की डिटेल्स मैं आपको अभी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फाइव पर आता है बुल मस्टिफ। बुल मस्टिफ एक बहुत ही ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है, यानी कि एग्रेसिव डॉग होते हैं जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो यानी कि 55 से 60 किलो के बीच होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत हो गई थी इसी साल। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होंगे। इनकी PSI पावर होती है 552, जो कि बहुत ही अधिक होती है। फोर पर आता है डावरमैन पिस्टर। डावरमैन पिस्टर एक पुलिसिया डॉग होता है, लेकिन अब आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखकर आक्रामक होता है, यानी कि एग्रेसिव, गुस्से में आ जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही ये शांत भी हो जाता है। इसके काटने से 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद इसकी कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि इसके काटने से किसी की मौत हुई हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है, और इसकी जो PSI पावर होती है वो 245 से 305 के बीच होती है। जहाँ तक देखा जा रहा है, कई देशों में इसे पालने पर अभी भी बैंड है। पर नंबर थ्री पर आता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड एक पुलिसिया कुत्तों के रूप में पहचान बना चुका है। जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। यह लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है। अब आप समझ ही चुके होंगे, 108 किलो के वजन से ये इंसान या किसी भी चीज पे अटैक करता है, जिसके बाद बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका वजन 30 किलो से 40 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पर हमारे भारत, हमारे इंडिया में इसे कई घरों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही समझदार भी होते हैं। अगर इनको ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी तो ये बहुत अच्छे फैमिली डॉग्स भी बनते हैं। नंबर टू पर आता है रॉटवेलर। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने में माहिर भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, साल 2014 में अमेरिका में रॉटवेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्ते के काटने से कई लोगों की मौत हुई थी। अभी आपको जान के बहुत हैरानी होगी, जिनमें आधे से अधिक लोगों की मौत एक जिम्मेदार रॉटवेलर था। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 1460 न्यूटन यानी कि 148 किलो के वजन से काटते हैं। 148 किलो का मतलब आप समझ गए, 148 किलो के दबाव से ये काट सकते हैं। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पर हमारे इंडिया में इसे अभी भी लोग बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही प्यार से पालते हैं। नंबर वन पर आता है पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। आक्रामक मतलब एग्रेसिव, गुस्से वाले। इनका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। दुनिया भर के कई देशों में इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देश में पिटबुल आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे ट्रेनर हैं तो ही आप पिटबुल को पालिएगा, वरना ये आपके लिए बहुत घातक भी हो सकते हैं। क्योंकि सन 2015 में सिर्फ अमेरिका को ही पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। अब आप समझ ही चुके होंगे, 2015 में 28 लोगों की मौत, यानी कि ये कितने आक्रामक एग्रेसिव होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, इन सारे कुत्तों को अगर आप पाल रहे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होगी, वरना आप इन कुत्तों को ना ही पालें। अगर आपको हमारी अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स को हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।